हाय एवरीवन, वेलकम ऑन सेल्फ स्कोर एकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डुअल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत हमने सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिनगैमी में हमने ये देखा था कि जो एक मेल गैमीट होता है वो एम्ब्रायो शेक के एक सेल से उसका डिफ्यूज़न हो जाता है, जिससे कि हमको सिनगैमी प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसके कि रिजल्ट के रूप में हमको एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था ट्रिपल फ्यूज़न का, जिसमें कि दूसरा जो मेल गैमिट बचा हुआ था उसका फ्यूज़न हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिससे कि हमको बाद में रिजल्ट के रूप में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों को अगर जॉइंटली अगर हमने स्टडी किया था तो इसको डुअल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया था। आज हमको बेसिकली फर्टिलाइजेशन के ही कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है। जैसे एक्स बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट है, हेटरो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, पॉलीस्पर्मी का कॉन्सेप्ट है और सेमीगैमी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको वन बाई वन हम देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, तो चलिए आज इसको ख़त्म करते हैं। एक्स बॉडीज़ की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था एसजी नवासिन ने। इन्होंने देखा क्या था कि पॉलन ट्यूब की जो टिप पोर्शन होता है वहाँ पर इन्होंने टू डेंस कलर्ड बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडीज़। इन्होंने ऐसा माना कि ये जो बॉडीज़ हैं ये हमारी आई कहाँ से हैं, ये आई हैं हमारी वेजिटेटिव न्यूक्लियस से और सिनर्जिट के न्यूक्लियस से आई हैं। और ये इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिला था ग्रॉसिपियम में और हार्डियम में, ठीक है। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। एक्स बॉडीज डिस्कवर्ड बाई द एसजी नवासिन, देयर इज टू डार्क कलर डेंस बॉडीज फाउंड एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब। याद रखिएगा, एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब देयर आर जनरली रिगार्डेड एज रिमेन्स ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड सिनर्जिड न्यूक्लियस एज इन ग्रॉसिपियम, और दूसरा इसका एक एग्जाम्पल होता है हार्डियम, ठीक है। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, हेट्रोफर्टिलाइजेशन। हेट्रोफर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमको मालूम है कि पॉलन ग्रेन से जनरली एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमने देखा था कि कुकुरबिटेशी फैमिली में होता क्या है, और कुकुरबिटेशी और मालवेशी फैमिली में वहाँ पर एक पॉलन ग्रेन से हमको टू पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, इस कंडीशन को हमने बोला था पॉलीसिफोनस, ठीक है। इस कंडीशन को हमने, जहाँ पर हमको एक पॉलन ग्रेन से टू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इस कंडीशन को बोले थे हम पॉलीसिफोनस। तो यहाँ पर होता गया है कि दोनों पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स रहेंगे, तो यहाँ पर जो एक मेल गैमीट जो रहेगा वो फ्यूज़ करेगा, एक पॉलन ट्यूब का मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा एक्स सेल से, और दूसरा जो पॉलन ट्यूब का मेल गैमीट होगा वो फ्यूज़ करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो अगर ये कंडीशन हमको कहीं देखने को मिलती है जहाँ पर कि दो पॉलन ट्यूब हो और दोनों पॉलन ट्यूब के मेल गैमीट अलग अलग, मतलब कि एक उसमें फ्यूज करे एक्स सेल से और दूसरा फ्यूज करे सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हेट्रोफर्टिलाइजेशन। और यह कंडीशन हमको जनरली देखने को मिलती है जिया मेज में, मतलब मक्के में, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ पॉइंट। व्हेन टू पॉलन ट्यूब्स इंटर इनटू द एम्ब्रायो शेक, द एग मे बी फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमीट ऑफ द वन पॉलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमीट ऑफ अदर पॉलन ट्यूब, हेट्रोफर्टिलाइजेशन एज इन जिया मेज। अगला जो कॉन्सेप्ट हमको देखना है पॉलीस्पर्मी का। पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, पॉलीस्पर्मी में
ये होता है कि यहाँ पर सेम ये हेट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह है, बस यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कहीं पर टू पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अगर कहीं पर टू पॉलन ट्यूब किसी एम्ब्रायो शेक में इंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि उन दोनों पॉलन ट्यूब्स के अंदर, जरूरी नहीं कि वहाँ पर खाली केवल दो मेल गेमीट हो, वहाँ पर दो मेल गेमीट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है तो पॉली स्पर्मी कहलाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में इंटर कर रही हैं, दो पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में इंटर कर रही हैं, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर दो ही मेल गैमेट्स हों, उसके अंदर दो से ज़्यादा मेल गैमेट्स हो सकते हैं, और ये कंडीशन हमारी कहलाएगी पॉली स्पर्मी। ये हमको देखने को मिलती है जियामेज में। याद रखिएगा, हेट्रो फर्टिलाइजेशन और पॉली स्पर्मी दोनों कंडीशन हमको जियामेज में देखने को मिलती हैं। इस पॉइंट ये है, वेन टू और मोर देन टू पॉलन ट्यूब्स इंटर इन टू द एम्ब्रायो सैक, इट लीड्स अक्रेंस ऑफ मोर देन टू मेल गैमेट्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉली स्पर्मी एज इन जिया मेज, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमको देखना है वो है सेमी गैमी का। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस सेमी गैमी के अंदर ये आता है कि अगर मान लीजिए कि पॉलन ट्यूब्स इंटर तो कर रही है एम्ब्रायो सैक के अंदर, लेकिन जो मेल गैमीट्स हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, वो एक्स सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस से वो फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनका फ्यूज़न नहीं हो पाता है, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेमी गैमी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर मेल गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं हो पाता है एम्ब्रायो सैक के एक्स सेल से और सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इस कंड ये कंडीशन हमारी कहलाएगी सेमी गैमी। व्हेन बोथ मेल गैमीट रिलीज इन द एम्ब्रायो सैक बट दे डू नॉट फर्टिलाइज्ड नाइदर एक्स सेल और सेकेंडरी सेल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेमी गैमी। तो ये था हमारा कुछ टर्मोलॉजी फर्टिलाइजेशन की, और आगे जो हमको कॉन्सेप्ट देखना है वो देखना है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसका जो टॉपिक है वो 3-4 हमारी स्लाइड में जाएगा, और फिर उसके बाद हमको एम्ब्रोलॉजी देखनी होगी, देन कुछ बेसिक चीज़ें और देखेंगे, बस इसके बाद एम्ब्रोलॉजी हमारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब एम्ब्रोलॉजी ज़्यादा बची है नहीं, जो मेन जो समझने वाला हमारा टॉपिक था वो यही सब था, बाकी और सब तो रटने वाले टॉपिक हैं। अगर मान लीजिए इसके अलावा जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, या मेरी मेल आईडी पर, या सेल्फ स्कोरर के फेसबुक पेज पर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट।